सो हे गाइस, दिस इज़ अमन। मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज की स्टोरी है लॉबी में। तब मैं खड़ा था तो मेरे को काफ़ी सारे अच्छे बंदे दिख रहे थे इस टाइटल के और ओवर अचीव टाइटल के, तो सोचा मज़े आएंगे एक बार जो जो पुल उतरते हैं, वरना मैं पोचिंग की का प्लान था। सो यहाँ उतरते हैं, फिर देखे क्या होता है। सो यहीं उतरते ही मेरे को दिख जाती है एमपी नैनो, और मैं फट्टे से उठा लेता हूँ उसे। और इतनी देर में एक बाबा आ जाते हैं हमारे पीछे कूद के और उन्हें बजा देते हैं हम। और बेचारे उछल रहे थे, शायद उसे लगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं यार, ऐसे थोड़ी चलता है। मैंने उसे बजा दिया। फिर आगे जाते हैं अपन। यहाँ जाते ही अब मेरे को फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो मुझे पता था भैया उसके अंदर एक बंदा है, तो मैं सीधा रस कर देता हूँ। हो सकता है गन नहीं हो, और इसे बजा भी देते हैं अपन। गन तो थी इस पे, लेकिन वो एम नहीं बैठा पाया जब तक। तो यहाँ से हम पे भैया पीछे से मारने की कोशिश कर रहे थे, इतनी देर में हम बजा देते हैं ना। फिर आगे जाते हैं तो फिर हमें एक साउंड आता है फुटस्टेप्स के, मैं सीधा कूदते ही यार। ओहो, फिर यहाँ से पीछे से भाई मेरे को जो स्प्रे पड़ती है, एक बंदा मारता है पीछे से, मेरी पूरी हेल्थ डाउन कर देता है। जस्ट जस्ट बचाओ भाई, बिल्कुल। अब बाबू देखो तुमसे कैसा बदला लेंगे। इतनी देर में भाई मैं देखता हूँ मेरे पीछे भी एक बंदा आ जाता, तो भाई जीन दोगे नहीं दोगे आगे से पीछे से? अरे भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। लेकिन भाई हम पे हार्ड स्कोप लेके बैठ गए, तुम एक बार स्पीक करो तो मैं दे देंगे। फिर मैंने जो दो बंदों को मारा था, मैंने उन पे से लूट करके ले लेता हूँ, मेरे को हेल्थ मिल जाती है, मैं अपनी हेल्थ पूरी कर लेता हूँ। फिर यहीं से वो बाबू को चिपका देते हैं डीपी का स्प्रे। फिर आगे जाते हैं, मेरे को गन शॉट्स आने लगते हैं आगे की तरफ। फिर पता चल गया मेरे को फाइटिंग चल रही है बंदों की। फिर इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। मैं हो सकता है उनके लो हेल्थ, तो मैं उन पर रश कर देता हूँ सीधा। यहाँ से वो भैया लूटने में ध्यान था उनका, ये ध्यान नहीं था पहले हेल्थ पूरी करें। फिर अपन ने उन्हें भी बजा दिया। यहाँ से हमें M4 मिल जाती है भाई, इससे सेक्सी गन कोई नहीं है भाई। फिर यहाँ हम आगे आके मैं देखता हूँ तीन ट्रिपल वेयर हाउस में, मैं चेक करता हूँ शायद बंदे हो, और भाई तीनों चेक कर लेता हूँ लेकिन बंदे नहीं होते। फिर जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ तो फिर मेरे को लगता है बंदा आसपास। फिर देखो कैसे बजाते हैं, इन्हें भी बजा दिए किंग गली साहब को। फिर मेरे को यहाँ से लगता है शायद जोर जो ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं भाई, अभी एक और था और वो हमें देखो दिख जाता है। अभी शायद बॉट था या असली बंदा, तो भाई कह नहीं सकते, मेरे को तो शायद बॉट ही लग रहा है। लेकिन इन्हें नहीं बजाते थे, और हमें जॉर्ज पुल के अंदर 9 किल मिल जाते हैं। जॉर्ज पुल उठ के मैं भाई पीछे आता हूँ, जॉर्ज पुल सिटी में हो सकता है शायद बंदे हो, लेकिन भाई यहाँ बंदे क्या, ये घर नहीं लुटा हुआ। तो यहाँ से मैं बैक ले रही होता तो दिखती है मेरे को फ्लेयर, फिर मैं सीधा ले लेता हूँ उसकी तरफ। लेकिन भाई क्या बताऊँ, मेरी किस्मत ही ऐसी भाई, मैं एंगल देख के गया था भाई फ्लेयर की तरफ, लेकिन भाई वो फ्लेयर मिली ही नहीं मेरे को। इतनी जगह ढूंढ लिया मैंने, 70 से लेके शूटिंग रेंज तक देख आया, लेकिन मिली नहीं गाड़ी। अब यहाँ हमारी गाड़ी का फ्यूल भी कम था, तो गाड़ी भी कहीं एक्सचेंज करनी थी, जहाँ देखी मैंने वहाँ से उठा ली। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो ड्रॉप को, फिर अब चांस बाय चांस मैं घर चेक करता हूँ, हो सकता है बंदे मिल जाए। और भाई चेक करते करते एक जगह मिल भी जाता है। फिर यहाँ से जा रहे होते शूटिंग रेंज के बगल में जो घर होते हैं, मैं चांस बाय चांस निकाल रहा था, लेकिन भाई थोड़ा आगे जाते मेरे को आ जाते साउंड। सो सीधा घुमा लेता हूँ मैं। और ये भैया तो भाई बड़े गुस्से में, देखो कैसा, ओहो यहाँ पे स्प्रे मारते हैं भाई अच्छी, लेकिन पड़ती नहीं है।
यहाँ पीछे में एक और बंदा दिखता, हम इन्हें भी बजा देते। तो फिर यहाँ से मैं एक बार नेट खींचने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है शायद वो मूव करे। और भाई वो सच्चे में मूव करता है। और एंड सॉरी गाइस, मैं यार इसमें पबजी साउंड गेम मतलब आई मीन पबजी के मैं साउंड नहीं डाल पाया इसमें, क्योंकि घर में थोड़ा शोर हो रहा था तो मैंने उसे हटा दिया। और इन भाई को फिर हम बजा देते हैं। भाई अब जब से क्राउजन फायर की मैंने प्रैक्टिस करी है वो मेरा फेवरेट हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ उसे हर जगह करने की, और कई बार इसमें कामयाब भी हो जाता हूँ, कई बार फेल भी। फिर हमें आगे दिखता ड्रॉप, हम सीधा ड्रॉप की तरफ निकल जाते हैं, और ड्रॉप में हमें मिलती है AWM। भाई मेरी फेवरेट गाने, भाई झट्टे से उठा लेता हूँ मैं M7 छोड़ के। ड्रॉप को लूटने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं यहाँ पर सेवरनी, और सेवरनी मेरे को दिखते ही आते ही एक बंदा दिख जाता है घर के अंदर जाते हुए। और भैया जी ने भालू की ड्रेस पहनना किया, अब इन्हें भालू का भलुआ बनाएंगे। फिर यहाँ से मैं बाहर की तरफ से टीपी पी लेने की कोशिश करता हूँ। भैया जी सीढ़ी पे बैठे थे। ओहो, और यार हमने यार मारने की कोशिश करी, पता नहीं यार ये पबजी का क्या गलीच है यार, समझ नहीं आया मेरे को। और मैंने भाई बहुत नेड़ मारे भाई साहब बंदे को, मरा ही नहीं बंदा, पता नहीं कहाँ बैठा था ऐसा। फिर मैं एक बार फिर से एक बार नेट खींचता हूँ, हो सकता है हिले, और भाई हिलता है, और इसे मार देते हिलती। लेकिन भाई बंदा अच्छा खेला। फिर यहाँ से भाई हम आगे जा रहे होते हैं रैंडमली घर चूज कर करके, हो सकता है बंदा मिल जाए। फिर यहाँ से मैं एक बार घुमाता हूँ, मेरे को कोई साउंड नहीं आती है, और स्क्वाड हाउस की तरफ भी जाता हूँ तब भी कोई स्क्वाड नहीं। फिर वापस घुमा के लेके जाता हूँ, तो भाई जैसे ही मैं इस घर के पास लेता हूँ मेरे को फुटस्टेप्स दिखाई दे जाते हैं। फिर क्या, सीधा मैं रश कर देता हूँ भाई, टाइम नहीं लेना होता है। फिर मैं समझ जाता हूँ फुटस्टेप्स है, ये बंदा सीढ़ी पे बैठा है। फिर मैं अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई कूद के मार दे बंदा, और गेट बंद कर देता हूँ। हाँ अब मैं थोड़ा कवर में भी, और मैं ग्रेनेड भी कर सकता हूँ, अब दिख जाता बंदा ग्रेनेड में। अब देखो कैसा ग्रेनेड करता हूँ भाई, जय हो ग्रेनेड देवता की। ओ भैया सीधा बिच गया बंदा उधर। फिर यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को दिखती है फाइट हो रही है बंदों की, और ये भाई पता नहीं क्या कर रहा था, गाड़ी जला रहा था यार, मतलब काहे, मतलब जरूरत नहीं है, काहे जला रहा है गाड़ी को है। तब तूने अगर बंदा मारा है तो कहीं जबरदस्ती गाड़ी फोड़ रहा है, मतलब यार हद है यार, खुद की मौत बुला रहे हो अपने पास। फिर यहाँ से भाई निकल लेते हैं गाड़ी लेके, और भैया फिर हमें स्प्रे पड़ती है पीछे से, और ये भैया हम बहुत मारने की कोशिश करते हैं, हमारी इनने गाड़ी आधी डैमेज कर दी। लेकिन भैया फिर हमें अपने बदला लेना था, तुमने हमारी गाड़ी खराब करी, हम तुम्हें खराब कर देंगे। और इनके पास भी ओम थी, हमने ओम उठा ली। और फिर हमें यहाँ एक भैया जी सांप बने दिखते हैं, अपन गोली मारते हैं एक शॉट में, पता नहीं कैसे बच जाता भाई, लेकिन तुमसे शॉट में नहीं बच सकता भाई, ओम है। फिर भाई हम आगे आ जाते भाई कवर में, क्योंकि दो ही बंदे बचे, और एक और भैया दिख जाते सांप बने वो गिली शॉट में। फिर इन्हें भी शॉट मारते भाई, मतलब मैं हेड शॉट मार रहा हूँ, बंदा मर क्यों नहीं रहा एक बार में। यहाँ चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से भाई एक बंदा बच जाता है, और मैं यहाँ से सीधा गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ एक बार राउंड मारने। लेकिन भाई पूरा मारे यार चक्कर, लेकिन भाई बंदा नहीं मिला भाई, मतलब कहाँ लेटा हुआ ऐसा। और भाई फिर देखो क्या होता है, फिर भाई मैं अपने आप वापस अपनी जगह आ जाता हूँ। भाई फिर देखो भैया जी हमारे घर में आ गए। अरे रे रे रे, अब इसका मतलब हम समझ आ गए, हमारे घर के पीछे थे। अब ये भैया हम कंफ्यूजन में थे, ये स्कूटी पे बैठे नहीं बैठे, काफी हिल रहे थे। अब भाई हमारा ऊपर ध्यान था, मेरे को फीलिंग आ रही थी भाई ये कूद के मारेगा मेरे को। फिर एक बार फिर मैं नेट खींचने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है भाई
कूद गया वापस। और भाई कूदता भी बंदा, देखो कैसे बजाते हैं। अरे भैया जी नीचे आ जाओ। अरे भैया जी आ गए। ओए होए होए, अरे आ गए। चलो टाटा। और भाई डिलीशियस चिकन डिनर। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। और नेक्स्ट मैच में 20 किल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो गुड नाइट एंड शब खैर।